कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए डूगल की तरफ से लेकर आई हूँ चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस का कौन सा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम करने वाले हैं आपकी 3.3 स्टार्ट, और जो आपकी 3.3 से पहले 3.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड थे, उनको भी कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखें, पहले तो हम करते हैं ये जो क्वेश्चंस लेफ्ट थे कि इनको करने कैसे हैं। इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी आई होप। अब देखो क्वेश्चन 18 जो आपको यहाँ विजिबल है, मैं आपको समझाऊंगी करना आपको खुद है, मैं आपको समझाऊंगी करना आपको खुद है, खुद प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या है, सिंपल वही है जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, करते आए हैं वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। बट क्वेश्चन का तरीका अलग नहीं है, तरीका भी बिल्कुल वही है, डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन डिफरेंस है, नथिंग एल्स। अब क्या दे रखा है, अगर ए जो मैट्रिक्स वो 0, 10 बाय ए इसके बराबर है तो जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी किसका ऑर्डर, दो पेयर, ऑर्डर टू है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपके पास हो जाएगा 1, 0, 0, 1, राइट, ये हो जाएगा कि ऑर्डर पेयर टू की बात है। देन आपको फाइंड करना है दिस पोर्शन। तो आई आपको पता है ए वॉज ऑलरेडी यू हैव टू गिवन, LHS निकालो, उसको साइड में RHS के प्रूफ करना है दोनों को एक जैसे सॉल्व करके। तो मैं LHS अगर सॉल्व करती हूँ तो देखो आप, LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS किसके इक्वल आएगा सबसे मेन बात पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो जो LHS है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ आपको आपको दे रखा है आई प्लस ए, ये फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 1, 0, 0, 1, उसमें ए आपको जो गिवन है वो क्या है, कितना गिवन है आपको, 0, 10 a/2 -10 a/2 और 0, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट। जब ये दो चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, दे रखी है, तो क्या करना है आपको, 1, 0 ये तक इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करना है, बताया है ना मैंने आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी प्रोसेस में करेंगे। 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को इससे इंटू करूंगी तो भी तो आपके पास प्लस करके 0 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है नहीं। फिर 1 को इससे इंटू करेंगे तो -10 ही आ जाएगा, a/2 थीटा ये जो भी है। फिर 0 को 0 से करूंगी तो 0 ही रहेगा, कोई डिफरेंस फर्क पड़ेगा अगर मैं इसको 0 से ऐड करूंगी, नहीं, क्योंकि सिमिलर यही मिल जाएगा। देन 0 को 0 से करती हूँ तो 0 ही आता है। फिर 1 को इससे करूंगी मल्टीप्लाई, प्लस लिख दूंगी 10 a/2। देन 1 को इससे करूंगी, 0 को इससे करूंगी, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 भी ऐड करोगे 0। फिर 1 को 0 से प्लस करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो LHS इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0, 10 a/2 के, दूसरी साइड -10 a/2 और ये 0। तो LHS तो ये आ गया। अब RHS वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करो, A जो आपको ऑलरेडी गिवन है वो पुट करो, फिर इक्वल्स टू ये साइड में ये रखो, देन सॉल्व करो। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को आपस में, तो इसके इक्वल आ जाएगा और दोनों प्रूव्ड हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ वेरीफाई। तो इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू आपको खुद करना है क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे सिमिलर आप कर चुके हैं। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आज हम इस चैप्टर को ओवरऑल कम्प्लीट कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें क्योंकि हमें आगे और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन 19 देखो क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें करना जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है, क्या बोला है क्वेश्चन में, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोन्स। एक ट्रस्ट फंड है, उसमें क्या है, 30,000 रुपए बॉन्ड्स जो इन्वेस्ट किया, कितने इन्वेस्ट किए, 30,000 बॉन्ड्स इन्वेस्ट किए गए हैं, 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वो भी दो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स में हमने वो 30,000 क्या है इन्वेस्ट किए हैं वो बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब कि जो पहला
या पहले बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट लगाया, वो भी फर्स्ट ईयर के लिए। दूसरी बात, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट है, राइट? कि हमारे पास दो ऐसे बॉन्ड्स हैं, उन दोनों पर पहले पे 5% लगाया है, दूसरे पे 7% लगाया है, और दोनों ही फर्स्ट ईयर के लिए लगाया है। क्वेश्चन समझने का कॉन्सेप्ट समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हम कर लेंगे अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो। नेक्स्ट बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें नहीं पता कि जो बॉन्ड्स है वो कितने के हैं, हमें सिर्फ एक अमाउंट दिया है 30,000। क्या बोला है कि हमें एक 30,000 अमाउंट दिया है, और उस अमाउंट को, उस रकम को इन्वेस्ट कर दिया है बॉन्ड्स में, और दो बॉन्ड्स में ऐसे में करा है कि पहले पे 5% का इंटरेस्ट है, दूसरे पे 7% का इंटरेस्ट लगाया है पहले साल के लिए। और क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसको डिवाइड करना है, 30,000 को ऐसे डिटरमाइन डिवाइड करना है कि दो अलग अलग बॉन्ड्स पे वो प्रॉपर डिवाइड भी हो जाए, और वो कितना कितना होगा ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। एग्जैक्टली मुझे ये फाइंड करना है कि कितना हमने बॉन्ड जो है लगाए हैं पैसे, वो कितना पहले वाले इंटरेस्ट में गए और कितना सेकंड वाले इंटरेस्ट में गए पैसा, वो बताना है। तो उसको निकालने से पहले देखो, टोटल पता है मुझे, क्या पता है अगर मैं दो बॉन्ड लेती हूँ, फर्स्ट बॉन्ड प्लस सेकंड बॉन्ड, ओके, तो ये जो दोनों इन्वेस्ट करें वो कितने के करें, 30,000 के किए, राइट? इसको समझो, 30,000 के किए। अगर क्या बोला है कि मैं सेकंड को एक्स मानती हूँ या पहले को एक्स मानती हूँ, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, यही तो निकलेगा कि एक एक्स लिया तो दूसरा उस 30,000 में से उतना पोर्शन जो फर्स्ट वाला है उसको माइनस कर दो, बाकी बचा सेकंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट बॉन्ड बी एक्स मानते हैं, टोटल अमाउंट, और निकालना है कितने पे, पहला 1,800 पे निकालना है, दूसरा 1,200 पे निकालना है। तो फर्स्ट करते हैं, पहले 1,800 पे निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट 1,800 पे निकालते हैं, देखो क्या दे रखा है 18,100 पे, यहाँ पे बात करते हैं 1,800 की। सबसे बात, इंटरेस्ट आपको 5% दिया, ठीक है, स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, मैं आपको समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट समझेंगे कर पाएंगे फिर हम अच्छे से, और इजीली हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, इजीली हम कर पाएंगे। नाउ एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आप लिखोगे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बॉन्ड्स इन दो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टेड इन अ ट्रस्ट फंड, लिखोगे स्टेटमेंट जो दे रखी है, ट्रस्ट फंड हैज must be invested has must be invested in two different types of bond. दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट किए हैं, और वो भी कितने के किए हैं, ₹30,000 ये था, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट। देन आपको पता है पहले बॉन्ड का जो इंटरेस्ट लगा है 5% है, दूसरे पे 7% लगाया है, तो हम वो भी लिख देते हैं, फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट एज ए सेकेंड बॉन्ड इंटरेस्ट कितना है, 5% पर ईयर, ओके, ये 7% पर ईयर, रेट ऑफ, रेट की बात हुई है ना,
नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बोला क्या है कि डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो लेट सपोज इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स पहला तो दूसरा 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया। कितने इंटरेस्ट पे बना है, पहला 5% पे, 7% पे इंटरेस्ट, और किसके इक्वल आया है फर्स्ट वाला 1800 के। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट वन के ये मैट्रिसेस बन गए, इससे सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। एज इट इज सेम करना है सिमिलर सेकंड के साथ, तो सेकंड में बस 1800 की जगह 200 आ जाएगा, बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर होगी। तो सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो के क्या होगा आपका, देखो एक्स 30,000 माइनस एक्स 5% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट, राइट ये हो गया 5% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1800, राइट। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 5% इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट है, पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 5/100, 7/100। अब इसे देखो क्या करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यही तो होते हैं आए हैं, पहली रो को फर्स्ट ही कॉलम और तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 7/100 इक्वल्स टू 1800, ये आ गया आपके पास 1800। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 5x/100। दूसरी साइड अगर मैं सॉल्व करने बैठू यहाँ पे, देखो इसको इसे इंटू करना है, इस पूरे को इंटू करना है इससे, तो 30,000 इंटू 7, ये 2 0 तो 2 0 जाएंगे। तो यहाँ साइड में देखो इंटू 7/100 से करूंगी, 2 0 कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा 7 को 21, 2100 आ गया। या गया माइनस से कर देंगे, कितना आ जाएगा 7x/100, ये चीज आ गई आपकी, इसको इंटू करने पे इसके बराबर है 1800। या तो मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करूं, या प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस का, राइट। तो 5x/100 रखो, माइनस 7x/100 रखो, इस साइड 1800, ये प्लस का माइनस कर देती हूँ यहाँ पे, राइट। अब सिमिलर डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x-7x/100, दिस साइड आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करके आपके पास आ जाएगा 300 माइनस का, ओके। तो ये जीरो ये तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x-7x=-300 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा कितना आ गया माइनस का 30,000, और ये 2x नेगेटिव का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30,000 अपॉन में 2, कैंसिल कर दोगे तो 15,000 एक्स की वैल्यू आ गई। 30,000 थे, 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड करा, पहले पे 5% इंटरेस्ट लगा, वो भी पहले साल के लिए, तो मतलब कि कितना निकला, 15,000 रुपीज निकल गए आंसर। तो सेकंड भी 15 ही होगा, क्योंकि 15+15 30 होता है, तो सेकंड पार्ट क्या करना है, वो इक्वल्स 2,000 रख के करना है, बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, वो भी करने बैठेंगे तो देखो सेकेंड बी पार्ट जो है वो कितना दे रखा है 2,000, ओके इसके लिए भी करें, एक्स 30,000 माइनस एक्स, और ये आपके पास था 5/100, 7/100 यही था, और किसके इक्वल लिखना है 2,000 के,
तो यहाँ का भी चेक करके देखते हैं कि 15,000 ही आ रहा है कि कितना आ रहा है। 15 ही आएगा वैसे तो। देखो सेम वही प्रोसेस है, एक्स इंटू 5/100 कर दिया, प्लस 30,000 माइनस एक्स को करना है मल्टीप्लाई 7/100 से, इक्वल्स में 2,000 लेके चलो। नेक्स्ट यहाँ आ गया 5x/100, प्लस इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा, सेम वही तो आएगा, यहाँ से 2 कैंसिल तो 2100 ही आएगा, माइनस 7x/100 ही रहेगा, दिस साइड 2000 आ जाएगा। ओके नाउ ये कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 5x/100 माइनस 7x/100, 2000 माइनस 2100 तो कितना आ जाएगा 100 बच गया, और इस साइड माइनस 2x/100, ये 0 0 10,000 5,000 कुछ समथिंग आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करो ना, नेगेटिव आ गया, तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 100 इंटू 100, 2 3 4 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई कट के 5,000। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर आ गया 5,000। अब आपको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यहाँ पे तो ये आ गया, देखो हमने एक था एक्स, दूसरा है 30,000 माइनस एक्स, और मुझे क्या बनाना है, एक्स मेरे पास पहला अगर आता है, लेट सपोज फर्स्ट में एक्स मेरे पास 15 आया, तो 30 में से 15 जाएंगे तो कितने बन गया, सेकंड वाला 15 निकल गया, और अगर मैं एक्स 5,000 लेती हूँ तो 30 में से 5 माइनस कर दूंगी तो 25, तो 25 प्लस 5 भी 30 बन रहा है। इस केस में क्या होता है, फिर एक्स मेरे पास निकला था पहले 15,000, ठीक है जो था, दूसरा मेरे पास है 30,000 माइनस एक्स, यहाँ पे सेकंड वाला एक्स कितना है 5,000, तो 30,000 माइनस 5,000, एक्स कितना निकला है 15,000 निकला है ना, तो माइनस कर दो 15,000, कितना बच जाएगा 15,000। हमने क्या करा, दो पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, इजी था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन 20 बोल रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स books, their selling prices are 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Watch. Question क्या कह रहा है कि बुक शॉप है एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जिसमें 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की बुक दे रखी है, बाकी 8 दर्जन आपके पास फिजिक्स की है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की है, तो जो सेलिंग प्राइस भी बता रखा है कि 80, 60 एंड 40 में उनको डिवाइड कर दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप, टोटल अमाउंट जितनी भी बुक सेल करी है उस सेल करने से कितना पैसा मिला है वो हमें बनाना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो पहले हमें यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, देखो बुक शॉप बोला है 10 दर्जन ऑफ केमिस्ट्री, क्या दे रखे स्टेटमेंट्स, बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, जो कितने में सेल आउट की है वो हमने 80 में किया, कितने में बुक करी है 80 में की है, ओके सेलिंग
10 डजन केमिस्ट्री बुक्स कितने में करी है? 80 में। उसके बाद फिजिक्स की बुक्स 10, इकोनॉमिक्स की बुक्स 10 डजन, इकोनॉमिक्स की 8 डजन, फिजिक्स की 8 डजन। फिजिक्स बुक्स कितने में करी है आपने? 40 में, 60 में की है। ओके नाउ उसके बाद सेलिंग 40 बुक्स करी है, कितनी करी है आपने? 10 डजन में की है, और वो भी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक बुक्स वो भी 40 में, राइट? अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है यहाँ पे मैट्रिक्स। तो मैं बनाऊंगी मैट्रिक्स, मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 80, 80 बनेगा। पहले ये कितने दर्जन के बुक्स हैं, तो देखो जो दर्जन वाला है ना वो आप बनाओ रो के अंदर, ठीक है, और जो बुक्स सेल आउट किए जो सेलिंग पे है उसको बनाओ आप कॉलम में, तो आपका मैट्रिक्स बन के आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट? क्या कर देंगे, पहले हम ले लेते हैं दर्जन वाले जो रेओ में लेनी है, 10, 8, 10। ओके नाउ ये कितने की बची है? 80 की, 60 की और 40 की। ये चीज तो अब हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, 10 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 10 मल्टीप्लाई 80 प्लस 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई 40, ये आ जाएगा 800 प्लस 480 प्लस 400, इनको ऐड कर देंगे 1200, 1200 और 480 कितने हो गए आपके पास, ये आ गए 1680, 1680। तो हमारी जो टोटल बुक्स बिकी है वो कितने की बिकी है? तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग, द टोटल अमाउंट, किस चीज का अमाउंट? द टोटल अमाउंट ये लिखा ना, द टोटल अमाउंट द बुक, द बुक बुकशॉप विल रिसीव, किसे रिसीव करी है? सेलिंग ऑल द बुक्स फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स, ऑल द बुक्स, क्या ऑल द बुक्स इज रुपीज 1680, 1680 रुपए की सारी बुक्स आपकी बिक गई है, जो मेन जो किसका था वो इसी का था, राइट? तो अब आपको समझ आया होगा कि किस चीज का पार्ट था, इसका पार्ट था कि कैसे हमने मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स को उसमें कन्वर्ट किया, राइट? ओके तो नाउ अब हम बात तो करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। देखो आपके 3.3 के तो इतने ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हमने कवर अप किया है। अब इसमें इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करने ही करने हैं। हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप्स के किए, देखो डाउट्स जिसमें आपको आता है ना वो किस किस चीजों में आपको डाउट्स आने की संभावना है, ये आ सकता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, कि आपको कुछ प्रूफ करने को है, शो दैट के लिए जो क्वेश्चन जिसपे ज्यादा ध्यान देना है शो दैट वाले क्वेश्चन पर, कि कुछ चीजें हमें प्रूफ करनी है तो वो आपके पास है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फाइंड करने वाले क्वेश्चन, कौन से फाइंड करने वाले क्वेश्चन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है फाइंड करने वाले, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड वाले जो अभी बताए, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड,
राइट, आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं। देखो ये तो अभी तक हमने किया जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने जो कवरअप किए थे वो क्वेश्चंस आपके ये थे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रूफ करने के लिए आए। मान लो आपको ये फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था और बताया था, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा फोकस डालो। और किस पे डालोगे? ये कि तीन ऑर्डर पेयर्स का मैट्रिक्स है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इक्वल्स में प्रूफ करें। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके कि क्या ये LHS RHS के बराबर है या नहीं, ये चीज आपको ज्यादा पूछने को आएगी क्वेश्चंस में, और थोड़े लेंथी है। और सबसे मेन बात है ना, ये क्वेश्चन समझ आते हैं, कर भी लेते हैं, प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कई बार टाइम कंज्यूमिंग में, तो अपनी स्पीड भी बढ़ाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे उससे आपकी स्पीड भी इलेबोरेट होगी और आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और वही टाइम फिर आप अपने पेपर में एग्जाम देने जाओगे तब भी मेंटली प्रिपेयर रहोगे। ठीक, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं, इनसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं शो दैट वाले, बट जो आज हमने अभी पढ़े हैं, जैसे मैट्रिसेस का पढ़ा है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करा है।